चलिए डाल लेते हैं नजर आज के दिन भर की तमाम खास खबरों पर। कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। यही वजह है कि जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इसी के तहत आज पश्चिम बंगाल में युवा अग्रहरी समाज द्वारा CMDA बिल्डिंग में सुबह से ही करीब 200 लोगों को वैक्सीन दी गई। वह इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया व संस्था के इस सराहनीय कार्यों की सराहना करते नजर आए। अभी हम लोग खड़े हैं कोलकाता का ये CMDA का कार्यालय है और यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल जो अग्रणी समाज है वो यहाँ पर एक वैक्सीन का कैंप चलाया जा रहा है जिसमें 250 से ज्यादा लोगों को आज वैक्सीन दिया जा रहा है और उसी के जो कार्यकर्ता है आइए हम बात करते हैं ये कार्यक्रम पश्चिम बंगाल युवा अग्रणी समाज के सौजन्य से चलाया जा रहा है। आज जो वर्तमान परिस्थिति में कोविड का इतना महामारी फैली हुई है उसको देखते हुए ये जरूरी था कि कम से कम हमारे समाज के लोगों को ये वैक्सीनेशन दिया जाए। इसके लिए काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था और हमें बड़ी खुशी है कि आज हम लोग इसमें सफल हुए हैं और करीब 200 लोगों का यहाँ पर वैक्सीनेशन करने का प्रोग्राम है। ये सुबह 10 बजे से चल रहा है, शाम को 4 बजे तक चलेगा। धन्यवाद। समाज के अध्यक्ष श्री मुंजान जी के बारे में जिन्होंने हम सबको फोन करके इस तरह के काम को कार्य करने के लिए प्रेरणा दिया और हम लोग के पास आ करके एक एक आदमी से मिले कि हमें जो हमारे भाई फिर भी इस महामारी के टीका से कुछ दूर है उनके पास जा। पश्चिम बंगाल समाज के अध्यक्ष मुंजान जी का बहुत ही योगदान रहा और उनके द्वारा ही इस प्रोग्राम को शुरुआत किया गया और आगे बढ़ाया गया और उसको सम्पन्नता कर लिया रही है। हमारा पूरा समाज गौरवान्वित है कि हमारे समाज में ऐसे लोगों दिव्यांग जैसे भाइयों की जरूरत है कि और भी ऐसे दिव्यांग तैयार हो जो अपने सोच को अपने चिंतन को एक पॉजिटिव सोच में एक अच्छे काम में सामाजिक काम में हम लोग बढ़ चढ़ के आगे बढ़े जिससे हमारे समाज का हमारे और लोगों का जो हमसे जुड़े हुए हैं सबका कल्याण हो। आप देख सकते हैं कि जो जिस प्रकार से लगातार लोगों का यहाँ पर भीड़ उमड़ के लगा हुआ है और यहाँ पर सुबह से ही वैक्सीन का काम चल रहा है ये एक बड़ी ही मिसाल की बात है। और यहाँ पर जो यहाँ पर महिलाएं हैं देखिए सभी लोग आकर के यहाँ पर इस कार्य में जुटे हुए हैं ताकि जो यहाँ पर संपूर्ण रूप से जो काम है वो अच्छी तरीके से हो सके। कोलकाता से पार्थो पाल के साथ नरेंद्र दुबे की रिपोर्ट। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो।